हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफर। क्योंकि दोस्त, जॉब जरूरी है। जैसा कि दोस्त आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डाटा जो मैं ले रहा हूँ दोस्तों, वो 28 मार्च का दोपहर 12 बजे तक का डाटा है। तो मैं इसे प्रूफ देखने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि आखिर इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक आपको आरआरबी पटना का एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ रजिस्ट्रेशन का, और ये रजिस्ट्रेशन और कुछ और दोस्तों का भी मैंने कटआउट यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए उनको बोला था और उनका कमेंट लगभग अप्रॉक्स उन्हीं इसी के आसपास है। तो उनको धन्यवाद कि वो सही कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो गलत गलत कमेंट किया था, तो उससे अन्य छात्र भी दिग्भ्रमित हो रहे थे। तो बात तो ये रही दोस्त की जिनका कमेंट लगभग, जिनका जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं जिस जोन में, जिनका बराबर था, लमसम अप्रॉक्स इक्वल था, तो मैंने उनका नाम यहाँ पे शो कर दिया है। क्योंकि तो मैंने उस पिछली वीडियो में बोल दिया था दोस्तों कि जो लोग सही और सटीक डाटा बताएंगे उनको, उनका मैं नाम अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। चलिए दोस्त, हम लोग बिट प्रूफ देखने वाले हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं किस जोन में, और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि आपका वैकेंसी कितनी है और कितने फॉर्म भरे गए हैं और इसका रेशियो कितना है। रेशियो कहने का मतलब एक बार दोस्त, एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेफ जोन है और कौन सा डेंजर जोन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक आपका यहाँ पे पटना का देख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप आरआरबी पटना का है दोस्तों। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन अब आप क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पे है 261,00,000। यहाँ और ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन किया है आपका, यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे 12:30 यानी 12:30 बजे 28/3/2019 को यह डाटा है, यानी कि 12:30 का डाटा है दोस्तों। लेकिन मैं ये चीज बताऊँ दोस्तों कि जो भी मैंने सारा डाटा लिया है, वो उसमें डाटा कुछ पुराने हो सकते हैं। पुराने कहने का मतलब दोस्त, कोई डाटा 11 बजे का है, कोई 10 बजे का है डाटा, तो कुछ वैरी कर सकता है। और मैं ये भी चीज बता दूं कि अब मान लीजिए कि अब 12:30 के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो हो सकता है कि फॉर्म में काफी इंक्रीजमेंट हुई होगी। यहाँ पे आपका 261,00,000 दिखा रहा है, हो सकता है कि 271,000 72 हो जाए। तो ये तो आप पे, ये तो डिपेंड कर रहा है दोस्त कितने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और एट द अब है जो आपका एंड होने वाला है 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा एप्लीकेशन भी फास्टली भरा जा रहा है। तो चलिए दोस्त, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो चलिए दोस्त, मैं एक टेबल बना दिया हूँ, उस टेबल में आपको बता दूंगा हर चीज क्लियरली, आप उस टेबल को देख सकते हैं। जैसा कि दोस्त आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बना दिया है, और इस टेबल में आपको यहां पे सीएल नंबर मैंने दिखाया, आरआरबी जोन और फॉर्म फिलअप, कितने फॉर्म भरे गए हैं। और ये डाटा आप मान सकते हैं 12 बजे तक का डाटा है, और इसमें कुछ डाटा है दोस्तों आपका सुबह 10 बजे का है, कुछ 11 बजे तक का है, तो आप वेरी आपका 10 से 12 हज़ार कुछ भी हो सकता है, 15 हज़ार तक वेरी डाटा कर सकता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं अब कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो इलाहाबाद की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुल अभी तक फॉर्म भरे गए हैं वो 12,05,623 फॉर्म भरे गए हैं। और बात करें वैकेंसी की दोस्त, तो यहाँ पे वैकेंसी जो थी 4,099 वैकेंसी थी। और रेशियो की बात करें कि एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीट पे 294 लोग फाइट कर रहे हैं। अब बात रही दोस्तों कि डाटा मैं कब का लिया हूँ, ये डाटा मैं सुबह का 10 बजे का डाटा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप कुल 891,623 फॉर्म भरे जा चुके हैं, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी है दोस्तों 2483। और यहाँ पे जो भी एक स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं 359 सीट पे। और दोस्त, एट द एंड ऑफ वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा सेफ जोन है और कौन सा आपका डेंजर जोन है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे अप्रॉक्स 400 के फाइट आसपास चला गया अभी ही, और अभी दो तीन दिन अभी फॉर्म भरा जाना बाकी है, तो आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसे भी जोन है दोस्तों जहाँ पे अभी आपके 150 के अप्रॉक्स एक सीट के लिए 150 स्टूडेंट ही आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए और उसी अनुसार अपना फॉर्म डाल दीजिए। या फिर आपने फॉर्म डाल लिया है तो आप देखिए, ये भी देखिए कि आपका कंपटीशन कितने छात्रों के बीच में है। तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो बात रही चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में आपका 359 स्टूडेंट फाइट करेंगे एक सीट पे। अब बात करेंगे हम दोस्त मुंबई की, मुंबई का क्या हाल है। तो मुंबई साउथ जोन, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने बोला था कि साउथ जोन सेफ रहेगा, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा आ गए हैं, और यहाँ पे कुल जो आए हैं दोस्तों 8,73,698 एप्लीकेंट्स यहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं। और जो बात करेंगे दोस्तों हम वैकेंसी की, तो वैकेंसी यहाँ पे 3,665 वैकेंसी। और यहाँ पे बात करें तो एक सीट पे लगभग 238 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अब बात करेंगे हम दोस्त बंगलोर की, बंगलोर का क्या रहने वाला है।
तो दोस्त मैं बंगलोर की बात कर लूँ तो यहाँ पे बंगलोर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7,18,532 फॉर्म यहाँ पे भरे जा चुके हैं। अगर बात करेंगे हम वैकेंसी की दोस्त, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है अब तक 7,18,532 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो वैकेंसी की बात करें दोस्त, यहाँ पे 2,470 वैकेंसियाँ हैं। तो बात करेंगे हम एक सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट करेंगे, तो एक सीट पे 290 स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो देखिए दोस्त, बंगलोर में इस बार ज़्यादा फॉर्म जाने का एक कारण भी है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में इसका कटअप था दोस्त, वो काफ़ी कम गया था, अन्य जोन के मुकाबले 10 नंबर का डिफरेंस था। हम बात कर लें दोस्त पटना की, तो पटना पे यहाँ 77 मार्क्स था, जबकि बात करेंगे हम बंगलोर की, यहाँ पे 63 मार्क्स था। बात करें हम ये कलकत्ता के दोस्त, तो कलकत्ता में ग्रुप डी का कटअप था 81 के आसपास था दोस्तों, और बात करें बंगलोर की, यहाँ पे 63 कटअप था। तो अब बिल्कुल आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 17 से 18 नंबर का मार्जिन रह रहा है, तो लोगों का बंगलोर के प्रति रुझान ज़्यादा चली गई है। चलिए दोस्त आगे हम बात करते हैं एक और ही साउथ का बोर्ड हम लोग देख लेते हैं, वो है सिकंदराबाद। यहाँ पे आपका 8,30,621 फॉर्म भरे जा चुके हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट आप देख सकते हैं दोस्त 3,234 सीटें हैं। क्योंकि बात करेंगे दोस्त कि एक सीट पे कितने लोग फाइट करेंगे, तो दोस्त एक सीट पे 254 लोग फाइट करने वाले हैं आपका सिकंदराबाद बोर्ड में। क्योंकि बात करेंगे दोस्त कोलकाता की, कोलकाता जो ग्रुप डी में हायर कटअप होने के कारण यहाँ पे इसका असर भी दिख रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ फॉर्म काफी कम आ रहे हैं, यहाँ पे मात्र 5,89,729 फॉर्म आए हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्त वो आपका 2,949 है। तो बात करेंगे दोस्त एक सीट पे कलकत्ता में आपका 199 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। देखिए दोस्त ये तो बात रही कोलकाता की, अब बात करेंगे हम चेन्नई की, चेन्नई का क्या हाल है। तो दोस्त हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई भी साउथ जोन में ही आता है, और यहाँ पे कुल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अभी यानी नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए हैं दोस्त, ये आपके हुए हैं 7,01,023। जबकि हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट की दोस्त, तो टोटल नंबर ऑफ सीट आपका है 2,694। लेकिन बात करेंगे कि एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं आपके चेन्नई बोर्ड में, तो आपको एक सीट पे 260 लोग फाइट कर रहे हैं चेन्नई बोर्ड में। लेकिन बात करेंगे हम दोस्त अजमेर की, जो राजस्थान से सटा इलाका है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे जा चुके हैं, और कितने यहाँ पे वैकेंसी और एक सीट पे कितने लोग फाइट करने वाले हैं। तो दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं आपके 5,84,355। लेकिन बात करेंगे हम दोस्त की कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो वैकेंसी की बात करें जहाँ 1773 वैकेंसियाँ हैं अजमेर जोन में, और बात करेंगे एक सीट पे आपके 329 लोग फाइट करने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्त अब बिलासपुर की, बिलासपुर का क्या हाल है। तो बिलासपुर की बात करें दोस्त, यहाँ पे 4,08,967 फॉर्म भरे जा चुके हैं, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्त वो 1,207 है। क्योंकि बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं 338 लोग। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिलासपुर में एक सीट पे 338 लोग फाइट कर रहे हैं। क्योंकि हम बात करेंगे अन्य जोन की दोस्तों, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कलकत्ता में मात्र 199 पे ही फाइट हो रहा है। जबकि बात करेंगे हम एक सीट के लिए बिलासपुर की, 338 फाइट हो रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। जबकि सीट नंबर ऑफ वैकेंसी की देख लें तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपका कोलकाता में दुगना है लगभग बिलासपुर का। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का क्या हाल होने वाला है। जम्मू कश्मीर का जो हाल है दोस्त, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 1,35,688। तो बात करेंगे हम दोस्त टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो दोस्त टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका जम्मू कश्मीर में 898, और एक सीट पे यहाँ पे 151 स्टूडेंट फाइट करेंगे, यानी कि एक सीट के देवदारी के लिए 151 स्टूडेंट अपना भाग आजमाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, ये अभी आपका रेशियो है जो और बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्त अभी फॉर्म भरने के लिए 3 दिन बाकी है, तो आप खुद सोच सकते हैं। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं एक नए जोन तिरुवनंतपुरम की, तिरुवनंतपुरम की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 2,17,691। क्योंकि बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की दोस्त, तो वैकेंसी यहाँ पे है 897। जो कि बात करेंगे एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो एक सीट पे 242 लोग फाइट कर रहे हैं। आप एक चीज यहाँ पे गौर कर सकते हो, तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर दोनों का सीट लगभग बराबर है। एक है आपका जम्मू कश्मीर का है 898, जबकि तिरुवनंतपुरम का 897। और यहाँ बात करेंगे हम कि अभी जम्मू कश्मीर में 1,35,688 फॉर्म भरे जा चुके हैं। क्योंकि बात करेंगे दोस्त हम तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पे 2,17,691 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना गैप बन रहा है जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम में। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं इलाहाबाद की, इलाहाबाद का क्या हाल है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इलाहाबाद की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं 3,70,627। लेकिन हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 3,1024 थी, और एक सीट पे फाइट करने वाले हैं जो कैंडिडेट हैं दोस्तों वो आपके 361 कैंडिडेट हैं।
क्योंकि हम बात करेंगे रांची जोन की। रांची जोन भी सर काफी चर्चित रहा ये जोन। रांची जोन की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए 375,857। क्योंकि बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट, सॉरी कितने वैकेंसी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1386 वैकेंसी। जो कि बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे कितने आपका फॉर्म फिलअप हुए और एक सीट पे कितने लोग फाइट करने वाले हैं। तो एक सीट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे 271 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी फाइट तगड़ी बन रही है, क्योंकि दोस्त आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे जोन है जहाँ पे आपका कम नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स है जो कम आए हैं और सीट के मुकाबले, तो उनका रेशियो काफी अच्छा है, यानी 150 से कम है। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं एक मालदा जोन की। मालदा जोन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 172,493 फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी थी, तो हमें वैकेंसी है दोस्तों 1043 वैकेंसी है। लेकिन बात करेंगे हम दोस्त एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो एक सीट पे 165 लोग फाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्त कि रांची में यहाँ पे आप 271 लोग फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, अहमदाबाद में 361 लोग फाइट कर रहे हैं। जो कि बात करें दोस्तों मालदा की, तो मालदा पे यहाँ पे 165 लोग ही फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, तो मालदा अभी भी सेफ माना जा सकता है। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं गुवाहाटी जोन की। गुवाहाटी जोन में आखिर कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। गुवाहाटी जोन भी काफी चर्चित जोन रहता है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज्यादा आते हैं। लेकिन इस बार जो ग्रुप डी का कटअप देखे लोग, तो देखे कि पटना के बराबर ही गुवाहाटी का कटअप था, तो गुवाहाटी से लोगों का मोह भंग तो जरूर हुआ है। और ये मोह भंग यहाँ पे आपको दिख भी रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 288,693। क्योंकि बात करेंगे हम दोस्त यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका था 851। क्योंकि बात करेंगे एक सीट पे यहाँ पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे 339 लोग फाइट कर रहे हैं आपके गुवाहाटी जोन में भी एक सीट पे। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर का क्या हाल रहने वाला है, क्योंकि गोरखपुर जो पूर्वांचल वाला इलाका है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं वो आपके 257,356 फॉर्म भरे गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे 1298 वैकेंसियां हैं। क्योंकि बात करेंगे दोस्त एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीट पे 198 लोग फाइट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग गोरखपुर को मॉडरेट मान सकते हैं। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं भोपाल की, कि भोपाल की क्या हाल है। भोपाल की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3,72,059 फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की दोस्त, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 997 वैकेंसी है। जबकि बात करेंगे एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे भोपाल में 373 लोग फाइट कर रहे हैं। देखिए दोस्त आप एक चीज देख सकते हैं, जो भी आपका सिटी इलाका है, सिटी इलाका में फाइट ज्यादा है। आप बिल्कुल देख सकते हो, जब गौर कर सकते हो, जैसे अहमदाबाद देख लो आप, भोपाल देख लो आप, तो ये सब चीजों के लिए आपका रांची हो गया या फिर पटना, आगे हम लोग देखेंगे पटना, ये सब जो सिटी वाले इलाका, इलाहाबाद हो गया, सिटी वाले इलाका में थोड़े कंपटीशन ज्यादा हुए हैं, ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख लेते हैं, अब हम बात करेंगे भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर की बात करें दोस्त, ये भी सिटी इलाका में आता है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए हैं 1,97,622। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे 498 है। एक बात करेंगे हम एक सीट पे कितने लोग फाइट करेंगे, तो यहाँ पे एक सीट पे 396 लोग फाइट कर रहे हैं। जो कि बात करेंगे हम सिलीगुड़ी की दोस्त, यहाँ पे सिलीगुड़ी आप देख सकते हैं 177,628 फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन बात करेंगे हम दोस्त यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट आपका 443। तो हम बात करें यहाँ पे एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो एक सीट पे 400 लोग फाइट कर रहे हैं। देखिए दोस्त एक चीज आप गौर कर सकते हो, आप एक ट्रेंड बन चुका है कि देखिए जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ सीट है वहाँ पे कम फॉर्म आएंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ नहीं भरेंगे, और जहाँ पे ज्यादा कम नंबर ऑफ सीट है वहाँ पे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे भर देते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा सीट होते हैं और सबसे कम सीट होते हैं वहाँ पे ज्यादा फॉर्म भरे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे कम नंबर ऑफ सीट है वहाँ पे ज्यादा फॉर्म चले जाते हैं उसके मुकाबले, और जहाँ पे ज्यादा सीटें हैं वहाँ पे फॉर्म कम आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं दिखा दूंगा आपको हर चीज को कि आप देख सकते हैं कैसे वो चीज को मैं बोल रहा हूँ। आगे हम लोग देखेंगे दोस्त मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कम है, 329 सीट है। जो कि बात करेंगे दोस्त यहाँ पे टोटल नंबर अप्लीकेंट फॉर्म भरे हैं वहाँ पे 54,762 फॉर्म भरे हैं। क्योंकि बात करेंगे हम दोस्त यहाँ पे एक सीट पे कितने फाइट होने वाली है, तो एक सीट पे यहाँ पे 166 फाइट होने वाली है। देखिए बात करेंगे हम दोस्त पटना की, पटना में आखिर कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो पटना की बात करें दोस्त यहाँ पे 261,873 फॉर्म भरे जा चुके हैं। क्योंकि बात करेंगे हम दोस्त यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की, यहाँ पे 1,039 सीटें और यहाँ पे एक सीट पे 252 आपका कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्त हम बात करेंगे सेफ जोन और डेंजर जोन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेशियो मैंने निकाला है, तो मैं यहाँ पे ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। पहले मैं वो चीज दिखाता हूँ कि जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है लेकिन फॉर्म वहाँ पे कम आए हैं। जैसे आप देख सकते हो दोस्त कलकत्ता, कलकत्ता की बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2,949, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्म आया मात्र 589,700
29, यानी रेशियो की बात करें दोस्तों, आप 199 इसका रेशियो है। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं आप कि सिलीगुड़ी में मात्र 443 वैकेंसी है। तो लोगों को लगता होगा कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कम नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, कम नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आपको एक सीट पे 400 कैंडिडेट फाइट करने लगे। अभी कोलकाता में वही दोस्त बात करेंगे, एक सीट पे मात्र आपके 199 स्टूडेंट ही फाइट कर रहे हैं। चलिए ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं अब कि देखिए अकॉर्डिंग टू दिस 28 तारीख 12 बजे दोपहर तक के डाटा के अनुसार अभी तक जो सेफ जोन और डेंजर जोन में डिसाइड कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं आपका रेशियो पे डिफाइन कर रहा हूँ कि एक सीट के लिए कहाँ कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो देखिए तो सबसे पहले जो डेंजर जोन आता है सिलीगुड़ी आता है, यहाँ पे एक सीट के लिए 400 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं भुवनेश्वर 396, एक सीट के लिए 396 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भोपाल एक सीट पे आपका 373 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बिलासपुर का भी यहाँ पे एक सीट के लिए आपका 338 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो ये सब जोन है जो दोस्तों, ये जोन आपका डेंजर जोन के आसपास इन लोगों को मान सकते हो आप। क्योंकि दोस्तों हम दिखाएंगे आपको कुछ जोन जहाँ पे नंबर ऑफ, आप देखिए एक चीज चंडीगढ़ का भी देख लीजिए, यहाँ पे 359 फॉर्म एक सीट के लिए आपका 359 फाइट होने वाली है। तो यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो मैंने कुछ आपको पहले बता दिया जो मैंने रेड रेड से आपका ये किया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो डेंजर जोन मैंने आपको शो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिलासपुर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप भोपाल देख सकते हो, यहाँ पे भुवनेश्वर देख सकते हो और आप यहाँ पे सिलीगुड़ी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे अब कि सेफ जोन कौन कौन है। तो सेफ जोन की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आप मुजफ्फरपुर की बात करें जहाँ पे 166 ही लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि मुजफ्फरपुर में आपका 166 लोग ही फाइट कर रहे हैं। चलिए दोस्त हम लोग आगे देख लेते हैं अब कि और कौन से सेफ जोन है। तो गोरखपुर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 198 फॉर्म ही, एक सीट पे 198 कैंडिडेट ही फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी सेफ जोन मान सकते हैं। मालदा को आप सेफ मानिए, एक सीट पे 165 कैंडिडेट ही फाइट कर रहे हैं। जब बात करें दोस्त जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे एक सीट पे 151 कैंडिडेट ही फाइट कर रहे हैं। और कलकत्ता को भी आप अभी एक कोलकाता को आप मॉडरेट मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका लगभग 200 के आसपास चला गया दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा अभी डेंजर जोन है और कौन सा सेफ जोन है। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको कि जहाँ अभी ये चीज मैं आपके सहूलियत के लिए दिया हूँ ताकि आप फॉर्म भर लीजिए और अपनी जॉब को सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि दोस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस जॉब को ग्रैब करने के लिए। क्योंकि दोस्त ये वैकेंसी आती है, बार बार नहीं आती है, बहुत दिनों में वैकेंसी आती है, 3 से 4 साल लग जाते हैं वैकेंसी में। तो आपको जमकर मेहनत करना और इस वैकेंसी में आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त करना है दोस्तों। चलिए जो भी हो सके मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं दोस्त बता दूं आपका मैं CBT 1 जो आपका NTPC का CBT 1 का जो कट ऑफ है मैंने ऑलरेडी बना दिया है CBT 1 का हर जोन का। और दूसरा दोस्त मैं CBT 2 का जो मेरिट लिस्ट लगा था उसका भी मैंने जोन वाइज कट ऑफ बता दिया हर वीडियो में, हर पोस्ट के लिए गुड्स क्लास के लिए कितना कितने कट ऑफ गए हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कितने कट ऑफ गए हैं, असिस्टेंट असिस्टेंट मास्टर के लिए कितने कट ऑफ गए हैं, मैं हर चीज़ों को अच्छे से दिखा दिया हूँ दोस्तों। तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी को आप एक अच्छे स्पीड से ले जाइए, क्योंकि दोस्त टाइम बहुत कम है और आपको जितना लगाना दम लगा दीजिए। तो मैंने आपको हर चीज़ ओवरऑल आपको हर चीज़ बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप फिर दोस्त मुझे बोलोगे आप कि सर आप फिर आप 30 तारीख का बना दीजिए, 31 तारीख का बना दीजिए। तो दोस्त ये फेक रजिस्ट्रेशन करने में बहुत काफ़ी नंबर का जुगाड़ करना पड़ता है, ईमेल आईडी का जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आप इतने तारीख को फॉर्म भरे हो, इतने समय में फॉर्म भरे हो, इतने बजे फॉर्म भरे हो और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इतना हो रहा है, ताकि अन्य दोस्तों को भी सहूलियत हो फॉर्म भरने में। तो चलिए दोस्त कुल मिलाकर आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और दोस्त जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लाता हूँ काफ़ी ऑथेंटिक रहती है और वो पिछली वीडियो में आपने मुझे काफ़ी सराहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।